हिंदू सेवा परिषद के तत्वावधान में 31 मार्च को नौदरा ब्रिज स्थित हनुमान मंदिर से भव्य गदा यात्रा निकाली जाएगी। हिंदू सेवा परिषद के संस्थापना दिवस और हिंदू नववर्ष के उपलक्ष में आयोजित इस गदा यात्रा का मुख्य आकर्षण बैलगाड़ी में स्थापित 25 फीट ऊंची मिट्टी का गदा और देवी देवताओं की आकर्षक झांकियां होंगी। हिंदू सेवा परिषद के प्रदेश अध्यक्ष अतुल जयसवानी, प्रचार प्रसार प्रमुख नितिन सोनवानी ने गदा यात्रा के आयोजन के संबंध में पत्रकारों से चर्चा की और बताया कि संत महात्माओं की अगुवाई में गदा यात्रा का आयोजन होगा, जिसमें शामिल सैकड़ों राम भक्त हिंदू एकता का संदेश देंगे। इस धार्मिक यात्रा में काजल हिंदुस्तानी और हिंदू जन जागृति के प्रचारक आनंद जाखोरिया भी शामिल होंगे। क्योंकि आज वक्त है कि हमारे देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहिए और हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए हमको अपनी एकता भी दिखानी है और हमको भगवा ध्वज लेकर भी चलना है और हिंदू राष्ट्र की हुंकार भरते हुए यह गदा यात्रा संपन्न होगी। हमें प्रशासनिक अनुमति इस गदा यात्रा की मिल चुकी है और आचार संहिता केवल राजनेता, राजनीतिक दल, राजनीतिक व्यक्ति के लिए रहता है और धार्मिक आयोजन करना हमारा मौलिक अधिकार है संविधान के तहत। इसमें कोई भी किसी भी प्रकार की कोई अड़चन नहीं है। 10,000 से ज़्यादा राम भक्त यात्रा में शामिल होते आए हैं और इस वर्ष भी होंगे। गदा जो है शक्ति का प्रतीक होता है, उसके अलावा जीवित झांकियां रहेंगी जिसमें हनुमान जी हैं, शिव जी हैं, उनके जो गण रहते हैं वो रहेंगे और सभी भगवानों की झांकियां उस पर मुख्य आकर्षण का केंद्र रहेगा। ऐसे डीजे ढोल बैंड पूरा एक महोत्सव की तरह ये कार्यक्रम सम्पन्न होगा और पूरे राम भक्त जयकारों के साथ उसमें चलेंगे।